नमस्कार। आज हम लोग आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी धीरे धीरे उड़ीसा में फैलती जा रहा है और हमारे सामने में दिल्ली के विधायक, आम आदमी के विधायक खुद संबलपुर में आ चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरी पार्टी कैसे आगे बढ़े, किस तरह लोगों के साथ जुड़ो और अपने पार्टी को आगे बढ़ाओ। हम अरविंद को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उन्होंने अपनी जो पार्टी धीरे 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 सारे भारत में फैल दी, चाहे हिमाचल हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर तरह को वापस लगाने हैं और उनके जितने भी विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हैं। तो सर आज हम आपको संबलपुर स्वागत करते हैं। तो सर आज आपका यहाँ पर संबलपुर में आए, इसके पहले आपका पहला क्या एजेंडा किस तरह का करते हैं? मेरा तीसरा दौरा है उड़ीसा के अंदर और शिक्षा के मैं हर दौरे में रुका हूँ। यहाँ पर हमने कई जिले कवर किए हैं और अब ये इस दौरे में हम संबलपुर, आज जैसे आपने देखा बरगढ़ के, झारसुगुड़ा, अड़ोसी पड़ोसी जिलों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। हमारा संगठन का निर्माण चल रहा है बड़ी तेज़ी से, पूरे भारत के अंदर हमारी टीमें लगी हुई हैं और यहाँ पे उड़ीसा के अंदर जो करप्शन है, डीप रूटेड करप्शन है, जो मूलभूत सुविधाएं दे नहीं रहे लोगों को। यहाँ पर थोड़ी देर पहले सुना कि एक महिला के साथ क्या क्या हुआ, तो हम आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, आम आदमी को उसके हकों के लिए जगाने के लिए यहाँ पे संगठन का निर्माण कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ लोगों का प्रेम जो देखने को मिला आम आदमी पार्टी के प्रति, श्री अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जो लोग सहमत हैं वो जुड़ रहे हैं और संगठन पर मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। तो सर अभी जिस तरह हमारा पश्चिम उड़ीसा जिसे बजार संबलपुर, उसमें धान का इतिहास होता है जिसे खेती कहा जाता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर वो रेट भी ठीक से नहीं मिल रहे हैं जिस तरह आम आदमी वाले लड़ते हैं इनके लिए। जैसे पंजाब में आप लोगों ने बहुत आगे बढ़ा रखा है, तो यहाँ किसान लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अब आप कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था, उनकी एक ही मांग थी कि MSP दे दें, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनका स्वागत किया और उनके संघर्ष में साथ दिया और पंजाब में हम MSP लेके आए हुए हैं। यहाँ पे उड़ीसा में हमने देखा है कि इसका 2060 रुपये का MSP फिक्स किया हुआ है, परंतु उनको भाव मिलते हैं 1200-1300 रुपये, क्योंकि वो स्थिति ऐसे बना देते हैं कि लोग धान बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई उनको भरोसा नहीं। हम आए तो हम इसको व्यवस्था को ठीक करेंगे, लोगों को MSP का रेट देंगे जैसे पंजाब में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, और हमारी जो केंद्र सरकार से मांग है उसको भी पूर्ण कराने के लिए हम लोगों का साथ देता हूँ। जी सर, आपके किसानों को सर दिल्ली में बहुत दूर दे क्या, उसका रिजल्ट आपको पंजाब वालों ने दे दिया, उन्होंने कहा कि आम आदमी हमेशा हमारे दुख दर्द में खड़ी रहती है, हम क्यों नहीं उनके साथ रहें, कि जो पार्टियाँ लोगों की समस्या समझता है लोग उसके साथ जाते हैं। इसी तरह सर उड़ीसा में सर कई प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे खनिज पदार्थ लीजिए, माइंस लीजिए, हर चीज़ में करप्शन, इतनी करप्शन है सर उसको देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो आपका पहला क्या रहेगा इसके बारे में? हम सबसे पहले जो खनिज की चोरी हो रही है उसको नियंत्रित करेंगे। पंजाब के अंदर 3 महीने के अंदर ही 1600 करोड़ रुपए का फायदा हो गया करप्शन रोकने से। उसी प्रकार अगर यहाँ पे खनिज का व्यवस्थित तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से काम हो, तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे बहुत लंबा समुद्री बॉर्डर, समुद्री तट है, यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होती है, अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, प्रकृति का साथ है, मिट्टी अच्छी है, सब कुछ होते हुए भी उड़ीसा के लोगों को गरीब से गरीब रखा गया। हम इसको व्यवस्थित करेंगे और इनका जो प्रकृति में हिस्सा है जनता का वो हिस्सा दिलाएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को आप पर बहुत ही भरोसा है, जब भी लोग रिजल्ट देखते हैं, आम आदमी केजरीवाल जी को देखते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, कब आएंगे सर हमारे उड़ीसा में भी आए और हम लोग जल्द आएंगे।